कि पावर पॉइंट हम शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है जिसका एक पैकेज का नाम है और उसके अंदर पावर पॉइंट भी मिलेगा, आपको एक सूट होता है ये पूरा, या आपको अलग से पावर पॉइंट भी यहाँ पर मिल सकता है। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पावर पॉइंट मुझे मिल गया। अब इस पर मैं क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है। अब पावर पॉइंट ओपन हो रहा है आपके सामने। ओपन होने के बाद हमें इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन बनानी है। इसको पहले मैं मैक्सिमाइज करूंगी, बड़ा कर लिया और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया क्योंकि फर्स्ट है मेरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। देखिए ऊपर नाम क्या आ रहा है, प्रेजेंटेशन वन, क्योंकि अभी तक मैंने इसे सेव नहीं किया है इसलिए नाम प्रेजेंटेशन वन आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सेव कर लेंगे वो न्यू नेम यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने क्या आ गई, यह एक स्लाइड है। जैसे वर्ड में पेज होता है जहां पे आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, पावर पॉइंट में इसे हम स्लाइड कहते हैं। इसी स्लाइड का मिनिएचर फॉर्म में, छोटी सी फॉर्म में यहाँ आपको स्लाइड दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिजाइन के आइडियाज भी हैं, आपको जो डिजाइन पसंद हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं आपको यहाँ से कोई भी पसंद है तो आप अपना डिजाइन भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रही हूँ। अगर आप चाहें देखिए इस तरह से मैंने इस पे क्लिक किया, ये डिजाइन मेरे सामने आ गया। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब एक स्लाइड से तो मेरी प्रेजेंटेशन बनेगी नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, और स्लाइड्स चाहिए। वो मैं जाऊंगी इंसर्ट पे क्लिक करूंगी और न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। इस पर देखिए बहुत सारे स्टाइल्स हैं आपके सामने। सिर्फ टाइटल चाहिए अगर स्लाइड पे, कंपैरिजन दो चीजों में, तो बीच में लाइन भी ड्रॉन होगी और आप बुलेट्स वगैरह डॉट लगा के भी आप कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फिलहाल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगी। ये देखिए ये आपके सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ गई। अब मुझे और स्लाइड्स भी अगर बनानी है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगी और यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगी और जो आपको स्टाइल पसंद है वो आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है, अगर इसके बदले में एक शॉर्टकट की बताऊं आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप प्रेस करिए कंट्रोल प्लस एम, दैट्स इट, आपकी उतनी सारी स्लाइड्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। सपोज मुझे अब फर्स्ट वाली स्लाइड डिलीट करनी है, इसी पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने पॉपअप मेन्यू आएगा, तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सेकेंड स्लाइड पर आती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो इंसर्ट करना होगा या तो वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स, दोनों तरह से आपको मैं करके दिखाऊंगी। टेक्स्ट बॉक्स मैंने यूज किया, अब इसको ड्रॉ करना है, माउस का बटन दबाकर इतना बड़ा मैंने ड्रॉ किया और इसके अंदर टाइप कर रही हूँ मैं। सपोज मैं टाइप कर रही हूँ इंडिया, INDIA, बट मुझे लगा ये बहुत छोटा है तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज, फॉन्ट, कलर सब चेंज होगा। अब देखिए आप जाइए होम टैब में, यहाँ पर ए, बड़ा वाला ए, इसको जितनी बार आप क्लिक करेंगे उसका साइज बड़ा होता रहेगा। छोटा करना है तो साथ वाले पे क्लिक करते रहिए। मैं बड़ा कर रही हूँ उसको। इसका कलर मुझे रेड करना है, फॉन्ट का रेड हो गया। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक्स, जो आपको स्टाइल पसंद है अंडरलाइन, वो यहाँ से आप कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर दीजिए तो आपका इंडिया आ गया। अब मैं अगर चाहती हूँ वर्ड आर्ट से यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया भी लिखा आ जाए तो मैं यहाँ वर्ड आर्ट यूज करके दिखाती हूँ आपको। वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, सपोज मैं ये स्टाइल ले रही हूँ। अब यहाँ मैं सीधा टाइप करना शुरू करूंगी मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर चाहूं इस पे क्लिक करके इसको मैं ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकती हूँ और इस जो ये आपके सामने सिंबल बना है इसको आप इससे रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको पसंद है वैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे नीचे ऊपर भी ले जाकर दिखा दिया। अब लेकिन एक कमी लग रही है, इसमें बैकग्राउंड कलर बहुत बुरा लग रहा है, व्हाइट कलर, इसे मुझे कुछ कलर देना है। राइट क्लिक किया तो आया यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक पेन ओपन हो जाएगी। इसमें आप जैसे सॉलिड फिल आप ले सकते हैं, कोई भी कलर ले लीजिए। सॉलिड फिल आपको ये चाहिए, आप ये कलर लीजिए, जो आपको कलर चाहिए। ग्रेडियंट फिल चाहिए ये लीजिए, पिक्चर या टेक्सचर, इस तरह से बहुत सारे हैं। पैटर्न फिल, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई भी स्टाइल लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फिल कलर आपको सपोज येल्लो में चाहिए, येल्लो में, ठीक है। और आपको सेव करने का वही तरीका है, कंट्रोल प्लस एस, या यहाँ से आप सेव करिए। एक स्लाइड और दिखाती हूँ आपको। अगर आपको इसमें कुछ ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करनी है वो कैसे करेंगे, आप जाइए फिर से इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर देखिए वीडियो,
वीडियो, ऑनलाइन वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर में कोई ऑलरेडी सेव वीडियो है, सिंपल उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा एक्सप्लोरर के अंदर कि कौन सी वीडियो है। आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करनी है, जैसे वीडियो फॉर जो भी है आप ले सकते हैं, फिलहाल मैं उसे कैंसिल कर रही हूँ। इसी तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो भी, ऑडियो पे क्लिक करिए, ऑडियो ऑन माई पीसी या रिकॉर्ड ऑडियो, आप अपना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, इसके बाद इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट में कैसे हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं, यहां से हम इसे स्टॉप करते हैं। देखिए ओके, अब देखिए आपके सामने ये भी आपके सामने आ गया सिंबल, इसको आप रन करके दिखाऊं आपको। अब हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट में कैसे हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं, यहां से हम इसे स्टॉप। देखिए इस तरह से आप इसको आप सिलेक्ट करके इसकी भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे प्लेबैक है, प्लेबैक ये जब शो चलेगा तो उस समय दिखता है तो बहुत बुरा लगता है, आप इसको हाइड ड्यूरिंग शो कर सकते हैं। आप सारी स्लाइड्स के अंदर चलाना चाहते हैं प्ले अक्रॉस स्लाइड्स दे दीजिए। लूप अंटिल स्टॉप, यानी कि आपका लूप बार बार चलता रहेगा सारी स्लाइड्स के ऊपर, बार बार ये चीज छोटी सी उनकी रिकॉर्डिंग है बार बार बजती रहेगी, तो इस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी तो वो कैसे आनी चाहिए, जैसे रैंडम बार, कट, रिवील, सभी बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। जैसे शेप, शेप मुझे बहुत पसंद है, शेप इफेक्ट से भी आपके इसके अंदर ये देखिए शेप आया आपके सामने। ऐसे आपको हर एक के अंदर आपको यहाँ पर आप ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, जैसे इसमें भी ट्रांजिशन आप दीजिए रैंडम बार्स। सेकेंड वाला है, सेकेंड के ऊपर मैं ट्रांजिशन देना चाह रही हूँ, इसको पहले सिलेक्ट करूंगी मैं, इसको ट्रांजिशन दे रही हूँ कट, देखिए कट का इफेक्ट देखिए आप। देन थर्ड वाली है, उसके अंदर मैं कुछ और इफेक्ट देना चाहती हूँ, इसके अंदर भी यहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद ये वाली स्लाइड अगर मुझे डिलीट करनी है, राइट क्लिक करिए डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक करिए डिलीट स्लाइड। अगर मुझे इसके अंदर कोई पिक्चर डालनी है, मैं पिक्चर भी डाल सकती हूँ, जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं ब्राउज कर सकती हूँ, इंटरनेट से भी पिक्चर ला सकती हूँ। अब देखिए मैं गूगल में ओपन किया मैंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे ताजमहल है, ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है, राइट क्लिक करिए कॉपी इमेज, पावर पॉइंट में जाइए स्लाइड पर, राइट क्लिक करिए पेस्ट। आपको पेस्ट करेंगे आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, स्ट्रेच करके आप इसे बड़ा छोटा है जहां भी आपको पसंद है वहां आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड में भी जनरली आप करते हैं, एमएस ऑफिस में सारे सॉफ्टवेयर में आप सेव करते हैं। एक है एनिमेशन, एनिमेशन और बताना चाहती हूँ आपको स्लाइड शो से पहले। इसमें देखिए कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज कैसी अपियर होगी वो आप बता सकते हैं, कि आपका एड एनिमेशन पेन होता है कि अपियर कैसे हो, या फेड हो जाए, या फ्लाई इन, इस तरह से आप, या स्विवल। सपोज मैं आपको एक स्टाइल दिखाती हूँ, देखिए ये स्विवलिंग हो रही है इसके अंदर, इस तरह से आप कोई भी आप इसके अंदर आप इमेज के अंदर आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं एनिमेशन के अंदर जाकर। यहां पर मैं जाती हूँ इस स्लाइड के अंदर, यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन चाहिए वो भी पॉसिबल है, वो भी आप कर सकते हैं। एड एनिमेशन के अंदर भी आप एग्जिट, मोशन पाथ, एम्फसिस, आप कुछ भी यहां से ले सकते हैं। जैसे मैंने बाउंस लिया, अब इसके अंदर आप देखिएगा कैसे, देखिए बाउंस कर रहा है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इस तरह से। अब आप लास्ट चीज के आपको बताना चाहती हूँ, स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, आपकी सारी स्लाइड्स रन होके दिखाते हैं, जैसे एक के बाद एक स्लाइड, जैसे फ्रॉम बिगनिंग, यानी फर्स्ट स्लाइड से आपका स्लाइड शो चलेगा फुल स्क्रीन, क्लिक किया तो अगली स्लाइड, क्लिक किया अगली स्लाइड, इस तरह से आपका शो चल रहा है। देखिए आपके सामने सारे इफेक्ट्स भी आए हैं। अब हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट में कैसे हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं, यहां से हम इसे स्टॉप। ये देखिए, ये मैंने ऑडियो भी इंसर्ट की थी, इफेक्ट्स भी डाले थे, सब आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लिक टू एग्जिट, मैंने क्लिक किया और इस समय बाहर निकल आई। इस तरह से अपना आप स्लाइड शो बना सकते हैं, उसे आप रन कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, बहुत इजी है। अगली वीडियो के अंदर मैं इससे ज्यादा आपको इफेक्ट सिखाने वाली हूँ, ताकि इससे भी ज्यादा अच्छी आप स्लाइड्स बना सकें या अपनी प्रेजेंटेशन बना सकें।